एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि काउंटिंग हो गई है शुरू, चुनाव के रिजल्ट आने वाले हैं सामने। तो जो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं पार्थो भौमी जी, तो अभी सुबह का समय तो थोड़ा सा अप एंड डाउन चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। जहाँ तक उम्मीद है कि हमारी सीट निकले, क्योंकि बीजेपी का यहाँ कोई रोल नहीं रहता, ना कोई उनके तरफ से सर्विस रहती है ना कुछ रहता। तो जाहिर सी बात है कि हमारी पार्टी निकलेगी और महिलाओं का ज़्यादा सहयोग रहता है, तो हमारी महिला टीम भी लगी पड़ी है। तो सबने अपना अपना फर्ज पूरा कर दिया वोट देके। अब देखते हैं कि क्या होता है, रिजल्ट शाम तक आ ही जाएगा, क्लियर हो जाएगा क्या है क्या नहीं। अब बाजू में पता नहीं क्यों बहुत सारा पेन हो रहा है, तो अगर हो जाएगा तो फिर निकलेंगे हम लोग विजय मिचिल के लिए, सॉरी। तो देखते हैं क्या होता है, अभी चल ही रहा है। एंड डाउन्स चल रहे हैं कि मतलब लग रहा है कि इस बार थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। एग्जिट पोल खुद देख के सब लोग डरे हुए थे, बट जैसा एग्जिट पोल था वैसा कुछ नहीं है। और 12 बजे के करीब में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सुबह से ही सबका मतलब भूख प्यास सब मर गया है, किसी ने अच्छे से ना नाश्ता किया ना कुछ, बस टीवी पे नजरें हैं। तो टीवी बंद हो चुका है अभी फिलहाल, अभी सब अपने अपने मोबाइल्स में देख रहे हैं, और जैसे कुछ होता है तो हम लोग देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। बस प्रे कर सकते हैं कि भगवान विजयी बनाए बस। और इस समय बीजेपी का भी सीट कुछ गिरता हुआ दिख रहा, तो देखते हैं कि क्या होता है। मुझे नहीं लग रहा कि 400 पार जाने वाला, जो उनका था अब की बार 400 पार, तो वो 400 के का आंकड़ा नहीं छू पाएगा शायद। देखते हैं क्या होता है, अभी तो लग रहा है, अभी तो पूरे दिन का काउंटिंग देखा जाए तब तो समझ में आता, और कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जैसे लीड दे रहे हैं बाकी जगहों के, वैसे बीजेपी कई जगह से मतलब मुझे लग रहा है काफ़ी वोटों से जाने वाली है, जिसका अंदाज़ा नहीं था। देखते तो हमारी पार्टी जीत गई और हम लोग निकल रहे हैं विजय मिचिल के लिए। Thank you.